और कैबिनेट की ओर से गुरुग्राम मेट्रो रेल को मंजूरी दिए जाने का दिल्ली एनसीआर के लोगों ने स्वागत किया है। इससे न केवल दिल्ली नोएडा से आने वाले लोगों को फायदा होगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी राहत भरा फैसला है। गुरुग्राम वासियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को गुरुग्राम मेट्रो रेल के विस्तार की महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी। नई मेट्रो लाइन हुडा सिटी सेंटर और साइबर सिटी सेंटर को जोड़ेगी। 28.5 किलोमीटर की इस एलिवेटेड मेट्रो रूट में 27 मेट्रो स्टेशन होंगे। 5,452 करोड़ रुपए की ये परियोजना लगभग 4 साल में पूरी हो जाने की उम्मीद है। मेट्रो के इस नए रूट से पुराने गुरुग्राम और नए गुरुग्राम को जोड़ा जाएगा और द्वारका एक्सप्रेसवे तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही दिल्ली नोएडा से आने वाले लोग अगर पालम विहार उद्योग विहार में काम करते हैं तो उन्हें भी इससे सीधा फायदा मिलेगा। उससे बहुत फायदा होगा, आने जाने में बहुत अच्छा रहेगा, ट्रैफिक की चैपे पैसे बहुत बचेंगे। बहुत है यहाँ पर ऑटो वालों को मनमाने पैसे जैसे मांग रहे हैं तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, उससे हमारा बहुत फायदा होगा ओल्ड गुड़गांव वालों को। एक तो भारी भरकम जो हमारा रस होता है इससे निजात मिलेगी और दूसरे की किसके पास टाइम है, टाइम तो सबसे बड़ी वैल्यू है ना, इसके लिए बहुत बढ़िया है। बहुत फायदा होगा, बहुत टाइम की भी बचत होगी और किराया भी कम लगेगा। नई मेट्रो लाइन शुरू होने से न केवल स्थानीय लोगों को पूरे गुरुग्राम में एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होगी बल्कि इससे क्षेत्र के विकास में और तेजी आएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नई परियोजना में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि रेलवे स्टेशन तक मेट्रो कनेक्टिविटी दी जा सके। नया रूट रेलवे स्टेशन से पहले प्रकाशपुरी चौक से पालम विहार की ओर जाएगा जहां से रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रोजेक्ट के लिए किए गए अध्ययन के मुताबिक 2026 तक इससे हर दिन 5,34,000 लोग मेट्रो लाइन से सफर करेंगे। फिलहाल गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो का 11.6 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है और डीएमआरसी की येलो लाइन दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ती है और इसके 5 मेट्रो स्टेशन गुरुग्राम में ही आते हैं जिस पर हर दिन 45,000 से 50,000 के करीब लोग सफर करते हैं। इसके अलावा अगले चरण में गुरुग्राम मेट्रो को दिल्ली के IGI हवाई अड्डे तक ले जाने की भी योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।